आज मैं एक चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कौन सी चटनी बनाने वाले हैं हम, तो चलिए बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो तुरई, इसे घिरा, घिरौला और भी नाम हो सकते हैं, जिस नाम से भी आप जानते हो, इस तरह का दिखता है देखिए। और चटनी बनाने के लिए हम तुरई इसी साइज के लेंगे, बड़े बड़े मोटे बीज वाले नहीं लेंगे। और एक प्याज छिलकर लिए हैं, टमाटर एक, दो हरी मिर्च, हरा धनिया थोड़ा सा लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को छील लिए हैं। 1 छोटी चम्मच नमक, या अपने स्वाद अनुसार लेंगे। 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल है ये। तो चलिए चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो गैस पर इस तरह का जाली रख लेंगे। आपके पास इस तरह का जाली ना हो तो आप जो ये स्टैंड आते हैं बर्तन रखने वाला, इस तरह भी रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो अभी मैं ये हटा देती हूँ और ये डालकर इसमें इस तरह से लगा लेंगे ये तुरई, और प्याज, टमाटर, अदरक भी इसी तरह से इसमें डाल देंगे। देखिए इसी तरह से। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। और एक तरफ से ये पक जाने के बाद दूसरी तरफ पलटेंगे हम। देखिए एक तरफ से ये पक चुका है, अब हम इसे पलटेंगे। तो पहले गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, नहीं तो हाथ जल सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो कोई चिमटा से इस तरह से भी पलट ले पकड़ कर, और यूज्ड है खाना पकाने की तो आप इस तरह से हाथ से घुमा सकते हैं। इस तरह से घुमा लेंगे सभी चीज़ों को और फिर पकने देंगे गैस, फिर से फ्लेम ऑन कर लेंगे। तो सारे चीज़ों को पलट लिए हैं, अब गैस का फ्लेम हाई करके और फिर से पकने देंगे दूसरे तरफ से भी। और इस तरह से एक दो बार घुमा लेंगे, देखिए इस साइड से नहीं पका है, इसे इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरफ से भी पका लेंगे। तो पका लेते हैं पहले। तो ये सारे चीज पक चुके हैं, अब गैस का फ्लेम अप करके और सारे चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा करके इसे छीलेंगे हम। तो अब ठंडा हो चुका है देखिए, तो मैं अपने हाथों से छू पा रही हूँ। तो इसे इस तरह से छील लेंगे सभी चीज़ों को, इसी तरह जो काला पार्ट है उसे इस तरह से छील लेंगे। तो छील लेते हैं पहले सारी चीज़ों को। तो देखिए मैंने सारे चीज़ छील लिए हैं, अब इसे जो पीने वाले पानी होते जो हम पीते हैं वो पानी लेकर और इसमें थोड़ा इस तरह से सारी चीज़ों को धो लेंगे। तो धो लेते हैं पहले फिर चटनी बनाएंगे। तो मैंने सारे चीज़ों को धो लिए हैं, अब इसका चटनी बनाएंगे। चलिए तो पहले जो प्याज, टमाटर है और अदरक को थोड़ा इस तरह से बारीक काट लेंगे, और हरी मिर्च और हरा धनिया को भी रफली काट कर रख लेंगे, ताकि हमें चटनी जार में सारे चीज़ें रखने में आसानी हो। अब ये सारे चीज़ें ये जार में रख लेते हैं। अब इनमें नमक और सरसों का तेल लिए हैं, वो भी डाल लेते हैं। अब इसका कवर लगाकर और पीस लेते हैं। तो इस तरह से पीस लेते हैं और बहुत आसानी से पीस जाती है ये चटनी। तो अब ये चटनी तैयार है, तो एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है। तो लीजिए हमारी तुरई की चटनी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी है ये। जो बच्चे तुरई की सब्जी खाना पसंद नहीं करते उन्हें भी ये चटनी बना के दीजिएगा तो बहुत ही पसंद से खाएंगे। ये चटनी आप कोई भी मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे रोटी, चावल, नान, पराठे, पूरी, किसी के भी साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है और इसे 2-3 दिन फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए सीजन में और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के
साथ